हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक हमने पिछले वीडियो में हिंदी के सभी पर्यायवाची शब्दों को पूरा कर लिया है। अब पर्यायवाची में से बनने वाले 100 प्रश्नों को हम लेंगे और उनका टेस्ट रिवीजन करेंगे। देखते हैं कितने प्रश्न किसको आते हैं, और साथ में हम यह भी बताते चलें कि किसी भी अध्याय को समाप्त करने के उपरांत उसका मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। आप यह स्वयं भी कर सकते हैं। पाठ के अंत में एक टेस्ट तो जरूरी होता है, कोई भी सब्जेक्ट हो। मूल्यांकन से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम और तत्परता से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। तो फिर चलिए इसी में को आगे बढ़ाते हुए हम अपने पाठ का पूर्वावलोकन करते हैं और पर्यायवाची शब्दों के कोशिश करेंगे 100 प्रश्नों को शामिल करें। और ये सभी प्रश्न एग्ज़ाम में आ चुके हैं, इस तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपका मूल्यांकन हो जाएगा कि आपको कितने प्रश्न आते हैं। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, और सच सच का कमेंट कीजिएगा। रियल में जितने क्वेश्चन के प्रश्नों के उत्तर आपको आते हैं, बस उन्हीं का उत्तर, मतलब कि उन्हीं की संख्या लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना रिवीजन। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची है। खिड़की का पर्यायवाची है वातायन, बारी, दरीचा, यानी सभी। खिड़की के ये सभी पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है व्योम। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अंतरिक्ष भी होता है, अंबर भी होता है, नभ भी होता है, पीयूष नहीं होता। पीयूष का मतलब अमृत होता है, तो हमारा उत्तर सी सही हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, विशीख किस शब्द का पर्यायवाची है। तो दोस्तों, विशीख बाण को कहते हैं। किसको? बाण को कहते हैं। सरोवर तो तालाब को, तरु मतलब वृक्ष होता है, और तो विशीखी के हम पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। विशीखी, तोमर, नाराज, शर, ईशु इम्पोर्टेंट है, सायक इत्यादि। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। खर मतलब गधा, तेज, कहते नहीं ये लड़का बहुत खर है गांव की भाषा में, और तिनका मतलब भी खर होता है, लेकिन दुष्ट खल का पर्याय, खर का पर्याय दुष्ट नहीं है। अगला है हमारा प्रश्न, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो घोड़ा मतलब तुरंग भी होता है भी होता है, और बाजी। शार्दुल का मतलब सिंह होता है, तो हमारा जवाब क्या होगा? सी, शार्दुल। अगला प्रश्न है, टीका शब्द का पर्याय है। टीका का मतलब होता है व्याख्या करना। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका ऑप्शन होगा डी, कलुष। कुलांक्षा नदी का पर्यायवाची होता है, जबकि अर्कजा, हंससुता और कृष्णा ये यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी शब्द है। मीन मतलब मछली, मछली का समानार्थी शब्द झक होता है। शिलीमुख, षटपद और अली, ये सब भौरे के पर्यायवाची शब्द हैं। हमारा अगला प्रश्न है, केतु। निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है। केतु का पर्याय नहीं है, यानी कि झंडा केतु का पर्याय है, पताका मतलब भी केतु है, निशान मतलब भी केतु, ग्रह केतु का पर्याय नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ग्रह। अगला प्रश्न है, तलवार का पर्यायवाची शब्द है। तलवार का पर्यायवाची शब्द है बी, करवाल। ना धारदार, धारवार, हल, ये सब नहीं है। देख लेते हैं, तलवार बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसका होता है करवाल। असी याद रखिएगा, असी, कृपाण, खड़ग, चंद्रहास, शमशीर इत्यादि तलवार के पर्यायवाची शब्द होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। विडोजा मतलब तो इंद्र होता है, मार मतलब होता है कामदेव, अश्म मतलब होता है पत्थर, क्या होता है पत्थर, और पिशून का मतलब होता है चुगलखोर। तो कामदेव का मार होता है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है धनंजय का पर्याय है। धनंजय का पर्याय होता है गुड़ाकेश। क्या है? गुड़ाकेश। ना ही मृत्युंजय, ना धनंजय, ना सारथी। हमारा अगला प्रश्न है पत्नी का पर्यायवाची है। पत्नी का पर्यायवाची होता है वामा। क्या? वामा। प्रमदा मतलब स्त्री होता है, कामिनी मतलब भी स्त्री, और विनीता मतलब भी स्त्री ही होता है। हमारा अगला प्रश्न है बच्चा का पर्यायवाची शब्द है वत्स। वत्स मतलब बच्चा, जबकि आत्मज और सूत और तन्य ये पुत्र के पर्यायवाची होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पैर का पर्यायवाची है पाद, जबकि अक्षी मतलब तो आँख होता है, कर्ण मतलब कान, और पट मतलब पर्दा। अगला पर्यायवाची शब्द है आँख का पर्यायवाची है अक्षी। अभी हमने पढ़ा था क्या? अक्षी। और इशु का क्या मतलब होता है? इशु का मतलब बाण, अभी हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा था। ये देखिए प्रश्न आईएस मेंस में आया हुआ है। अगला प्रश्न है रुधिर का पर्यायवाची है पथ नहीं है, पथ नहीं है लहू होता है, ये तो साफ साफ पता चल रहा है। रसाल का आम होता है, अर्णव का समुद्र होता है, पथ तो जानते हैं आप सभी। अगला पर्यायवाची शब्द है परिवार का पर्यायवाची है, तो पर्याय का पर्यायवाची कुटुंब होता है। क्या होता है? कुटुंब होता है। अगला प्रश्न है हमारा परिवार के और पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं, होता है कुटुंब, कुनबा, खानदान। अगला हमारा पर्यायवाची शब्द है वसुंधरा। वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? क्षिति। क्षिति मतलब धरती, कलाधर मतलब चंद्रमा होता है, दिनकर मतलब सूर्य, और रत्नाकर मतलब समुद्र। हमारा अगला प्रश्न है बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें नहीं है बताना है आपको। तो बादल का पर्यायवाची शब्द इसमें से क्या नहीं है? तोयधि मतलब समुद्र, जबकि तोयद, नीरद, पयोधर ये सब बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। हमारा अगला प्रश्न है व्योम का पर्याय है। व्योम मतलब आसमान, अंतरिक्ष, अंबर, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जबकि और गलत है। हमारा अगला पर्यायवाची शब्द है पर्यायवाची की दृष्टि से एक शुद्ध अशुद्ध है एक शब्द युग, तो गंगा जाह्नवी को कहा जाता है, ये सही है। ग्रह सदन को सही है, मयूर केकी, मोर को केकी भी कहते हैं, पानी को पानी नहीं कहा जाता है, ये गलत है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा, यही अशुद्ध है। अगला पर्यायवाची शब्द है अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, पुरंदर, अमरपति ये सही है, सरोवर पुष्कर को कहा जाता है, ये भी सही है। देखते हैं और ऑप्शन, निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कमलेश, कमलाकांत, कमलापति, कमलासन, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, कमलासन। कमलासन ब्रह्मा जी को कहते हैं। कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, चतुर्भुज ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला है हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मा का है। अगला प्रश्न है हमारा पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, तो इसमें कौन सा शुद्ध है बताना है। इंद्र, रतीश, रतीश तो कामदेव को कहा जाता है, शस्त्राक्ष और मघवा, तो ये गलत हो गया। घर, निकेतन, आलय, निलय, ये घर के सभी पर्यायवाची शब्द हैं। और ऑप्शन सी में क्या? यमुना, कालिंदी, भानुतेय, जाह्नवी, जाह्नवी गंगा को कहा जाता है, और सब यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं। और इसमें ऑप्शन डी में क्या है? वस्त्र, पाटक, अंबर, चीर,
तो इसमें से पाठक का मतलब होता है, इसमें पाठक का मतलब वसन छेद भेदक, भेदक व छेद होता है, जबकि और सबका मतलब कपड़ा होता है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही है। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, तो इसमें से बताना है पहला ऑप्शन ए सिन्न, पंचानन, नाहर, मृगारी, ये शेर के पर्यायवाची हैं, जबकि ऑप्शन बी में क्या है देखते हैं, सूर्य, रवि, दिनकर, ये सूर्य के हैं, जबकि तरणी, तरणी इसका गलत है, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। अग्नि, पावक, अनल, पिशुन, ये भी गलत है। इसमें तरणी का अर्थ नाव होता है, और जबकि पिशुन का मतलब चुगलखोर, अभी पिछले हमने वीडियो में पढ़ा था। और डी ऑप्शन है महेश, रमेश, भूतेश और सतीश, ये ऑप्शन भी गलत है। अगला हमारा प्रश्न है कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें अनुचर, भृत्य, परिकर और सेवक सभी पर्यायवाची शब्द हैं, तो इसमें सभी ऑप्शन इसके पर्यायवाची हैं। अगला हमारा है कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है, तो इस भूसुर, भूसुर दैत्य का नहीं, ये ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा है रूख का पर्यायवाची शब्द है, रूख, रूख मतलब पेड़, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही, विटप मतलब पेड़। हमारा अगला प्रश्न है पर्यायवाची शब्द का अर्थ यानी कि समानार्थी शब्द, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्राची का पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन नंबर सी पूर्व, प्राची का पर्यायवाची शब्द पूर्व है यानी पुराना। अगला हमारा प्रश्न है तरंग शब्द का पर्यायवाची है, तरंग किसको कहा जाता है, उर्मी को, उर्मी, लहर, वीची आदि तरंग का पर्यायवाची शब्द है। अगला है क्रोध, क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या है, ऑप्शन नंबर बी चाहिए, अमर्श, अमर्श क्रोध का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है, चंद्रहास यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, करवाल, चंद्रहास तलवार को कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है आशय शब्द का पर्यायवाची है, ऑप्शन नंबर सी तात्पर्य, आशय का पर्यायवाची शब्द क्या है, तात्पर्य। हमारा अगला प्रश्न है फल का पर्यायवाची शब्द है, फल का पर्यायवाची शब्द है सी परिणाम। हमारा अगला प्रश्न है जीभ का पर्याय है, जीभ का पर्याय है ऑप्शन नंबर बी रसना। हमारा अगला पर्यायवाची शब्द है नैसर्गिक का पर्यायवाची है, नैसर्गिक यानी प्राकृतिक। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है, हस्त तो होता है पर्यायवाची शब्द, कर भी होता है और पाणी भी होता है हाथ का, लेकिन कटी नहीं, कटी कमर का पर्यायवाची शब्द होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, प्रभाकर, दिनकर, दिनेश, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं, जबकि विभाकर नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है सूर्य का पर्याय शब्द है, सूर्य का पर्याय शब्द क्या है, पतंग, सूर्य को पतंग भी कहा जाता है, सूर्य का पर्यायवाची है भास्वर, मार्तंड, तेज, प्रकाश, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मार्तंड है। हमारा अगला प्रश्न है चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, चांदनी का पर्यायवाची ज्योत्सना भी है, चंद्रातप भी है, कौमुदी भी है, मयंक नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, सरस्वती का वीणा पाड़ी भी है, महाश्वेता भी है और भारती, ऑप्शन नंबर सी पद्मा, पद्मा लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला प्रश्न है सरस्वती का पर्याय शब्द है, देखिए इसमें बताना है कर्णिका, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है इनमें से एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है,
लहर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? दुकूल। दुकूल मतलब वस्त्र होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, जनार्दन किसका पर्यायवाची है? जनार्दन मतलब ऑप्शन नंबर सी, विष्णु जी को जनार्दन कहा जाता है, और कहीं कहीं विष्णु के रूप कृष्णा है तो उनको भी कहा जाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आयोग ने ए को माना था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, बगीचा का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी 53 का सी सही है, ऑप्शन का सी, आराम कहा जाता है बगीचा को। अगला शब्द है विडौला। विडौला पर्यायवाची शब्द है किसका? तो विडौला इंद्र को कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, मार। मार शब्द किसका पर्यायवाची है? ये है अनंग। अनंग यानी कामदेव का, कामदेव को कहा जाता है मार। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो अभी हम अपने इस प्रश्नों के सेशन को भी यहीं समाप्त करते हैं, और आगे के प्रश्न अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।